हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं वनीला मफिन्स। इन मफिन्स की खास बात ये है कि ये एगलेस है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरे चैनल पर सारी रेसिपीज़ आपको एगलेस ही मिलेंगी। तो और इतने सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी ये बने थे, तो इसकी पूरी डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बेकिंग पसंद है ना, तो आप ये मफिन्स ज़रूर से बनाना चाहोगे। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करना। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में दूध ले लिया है, रूम टेम्परेचर मिल्क है ये। इसमें एक चम्मच मैंने विनेगर ऐड करा है, कुकिंग विनेगर आपको यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रखेंगे, आपका ये बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। बेकिंग शुरू करने से पहले हमेशा ओवन को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करना ज़रूरी होता है। ठंडे ओवन में कभी भी बेकिंग नहीं की जाती है, तो ओवन भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मुझे रेसिपी में ना पाउडर शुगर लगेगी, तो फिर मैं यहाँ पर जो नॉर्मल चीनी होती है ना घर में, उसी को मिक्सी में डाल करके पीस रही हूँ। पाउडर शुगर हम यहाँ पर रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई स्मेल या फिर कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ये आपको रेसिपी में यूज़ नहीं करने होते बेकिंग में। यहाँ पर आप इसके जगह ना ऑयल की जगह 1/4 कप बटर भी ले सकते हो, मेल्टेड बटर। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करा है, मिल्क मेड। जब भी आप मिल्क मेड मेज़र करो ना, तो ऑयल जिससे मेज़र कर रहे हो ना, उसी कप में मेज़र करना। बड़ी आसानी से आपका जो कंडेंस मिल्क है वो ईजिली निकल जाता, चिपकता नहीं है। अब फिर हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। और वनीला मफिन्स मैं बना रही हूँ तो वनीला एसेंस हमें इसमें डालना है खूब अच्छे से। तो 2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। और हमारे यहाँ पर जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी है। अब मफिन्स हम बना रहे हैं तो मफिन ट्रे को भी लाइन करेंगे। एक बार मैंने उसको वॉश किया था, तो वही मैं क्लीन कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा ऑयल से हम इसको ग्रीस करेंगे। चारों तरफ आपको कॉर्नर्स पर ऑयल लगा देना। और फिर जो लाइनर्स आते हैं ना, कपकेक मफिन्स लाइनर, ईजिली आपको किसी भी बेकिंग स्टोर पर मिल जाएंगे, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर, जहाँ पर आपको किचन की आइटम्स मिलती है ना, वहाँ पर ये यूटेंसिल्स मिलते हैं, जहाँ वहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है ये। तो मैं तो लेकर आई थी, बहुत सारे थे उसमें मफिन्स लाइनर्स, तो अभी तक वो चल रहा है। 80 रुपीज़ का ये पैकेट आया था, तो काफ़ी सारे लाइनर्स उसके अंदर थे, मे बी 100 थे। तो वो लाइनर्स मैंने इसमें लगा करके रख दिया है। तो हमारा मोल्ड भी रेडी है। चलिए अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो उस बाउल के ऊपर मैंने छलनी लगाई है, 1 कप उसमें मैदा डाला है, ऑल पर्पज़ फ्लार, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड करा है। यही 3 सिंपल ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाते हैं। बस आपको कट एंड फोल्ड मेथड से अब इस जो बैटर है ना, उसको मिक्स कर लेना। जहाँ भी आपको लिक्विड की ज़रूरत होगी, वो यहाँ पर हम वो मिल्क ऐड करेंगे जो हमने शुरू में बना कर रखा था विनेगर डाल के। एकदम से आपको सारा मिल्क इसमें नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे आपको ऐड करना है। जितनी कंसिस्टेंसी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, वैसी कंसिस्टेंसी आपके बैटर की आ जाए तो परफेक्ट है। आपका मिक्स यहाँ पर बन के रेडी है। सेम मिक्स से ना आप केक भी बना सकते हो, वनीला केक बन जाएगा, बस आपको मोल्ड में पोर करना है। अभी हम मफिन्स बना रहे हैं, तो ये मैंने एक टेबल स्पून लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने हर एक कैविटी में फिल करा था। मेरे पास ये 6 कैविटी वाले ट्रे है, मफिन ट्रे, तो इसमें मैंने यहाँ पर 2-2 चम्मच भर के डाला है। एक बार इसको टैप करेंगे। अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया था। हर ओवन डिफरेंट होता है, तो आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, जल्दी भी ये डन हो जाएंगे। मुझे 20 मिनट्स लगे थे तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो बैटर बच गया था ना, मैंने आपको बताया कि मेरे पास सिर्फ 6 कैविटी वाली ही ट्रे है और थोड़ा सा बैटर बच गया था। तो फिर मैंने जो ये चाय के कप आते हैं ना, ये जब हम बाहर चाय पीते हैं तो बड़ी आसानी से ये मिल जाते हैं, इनमें मैंने 2-2 चम्मच डाल करके रख दिया बैटर। अगर आपके पास मफिन ट्रे नहीं है ना, तो आप ऐसे भी बेक कर सकते हो, इससे भी बिल्कुल परफेक्ट मफिन्स आपके बनेंगे। अगर ये भी नहीं है ना, तो फिर आप कटोरी में भी इसको बेक कर सकते हो। सिर्फ शेप से फ़र्क आएगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 20 मिनट के बाद जो हमारे मफिन्स हैं वो अच्छे से बन गए थे। मैंने टूथपिक टेस्ट भी कर लिया है, उन
को बाहर निकाला और दूसरा बैच जो था ना उसको भी 20 मिनट्स के लिए। अभी ये मफिन्स ना काफी गर्म है तो इसको ना हाथ नहीं लगाना है ना ही डीमोल्ड करना है, ढक करके इसको 10 मिनट का जरूर से रेस्ट देना। 10 मिनट के बाद आप इसको निकाल सकते हो। मैं आपको एक बार टूथपिक डाल के भी दिखा रही हूँ, क्लीन आ रही है। आप इसको ट्विस्ट करना हल्का सा, बड़ी आसानी से ये डीमोल्ड हो जाते हैं और इनको ठंडा गर्म कैसे भी आप इंजॉय कर सकते हो, दोनों में ही अच्छे लगते हैं। जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं ना 5 या 10 रुपये का एक पीस मिलता है, बट वो खाने से ना आप थोड़ा सा रिग्रेट करते हो कि क्या पता उसमें कैसा क्या चीज़ें यूज़ करी है, कैसा ऑयल, कैसी शुगर, कैसा मैदा यूज़ किया है, वी डोंट नो। और उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, बट घर पर आप कुकिंग करते हो, बेकिंग करते हो, तो आपको पता होता है कि आप उसमें क्या चीज़ डाल रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, हाइजीन भी होता है। तो आप ज़रूर से घर में बेकिंग करना, अगर आपको बेकिंग पसंद है तो ज़रूर से आप ये मफिन्स ट्राई करना। अब जो हमारे ये वाले कप वाले मफिन्स हैं ना, ये भी बेक हो गए थे 20 मिनट के बाद। अभी ये हल्के हल्के गर्म हैं तो गर्म में ही मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर ये कप से थोड़े थोड़े चिपकने लगेंगे, इसीलिए गर्म में ही मैंने इनको कप में से निकाल लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बने थे ये, मैं आगे आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, तो आप ज़रूर से ये ट्राई करना। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये, आप ज़रूर से बच्चों को बनाकर खिलाना। बस आपको थोड़ा सा ना मेज़रमेंट ध्यान रखना है, परफेक्ट मेज़रमेंट हमेशा बेकिंग में चाहिए होती है। तो ट्राई करना, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दे देना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।